ये है भात, ये है दाल, ये है कद्दू और बैंगन की सब्जी। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। रांची श्री जगन्नाथपुर मंदिर, जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर, और यहीं पर हम लोग 17 किलोमीटर करीब चल कर आए हैं, पैदल यात्रा कर कर आए हैं। और यहाँ पर दोपहर में भोग लगता है जगन्नाथ स्वामी जी को, इस तीनों टाइम भोग लगता है। और उसके बाद जो लंच है वो यहाँ जो भक्त होते हैं उनको एक मिनिमम अमाउंट, टोकन अमाउंट पे करके यहाँ पर उनको वो मिलता है भोजन। तो ये लंच है। मधु जो है हमारे लिए, मेरे और मधु के लिए पत्तल ले चुकी है, और उसके बाद अभी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी खाली हो जाए, उसके बाद हम जाते हैं। आपने क्या लिया है? ये साल पत्ता दिख रहा है। हाँ, पत्ता लिए भोग खाने के लिए। कहाँ पर? जगन्नाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल। शानदार व्यवस्था लग रही है यार। तो दोस्तों, हमने सोचा कि जब यहाँ पर जितना चलकर आए हैं, जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन किए हैं, श्री जगन्नाथ जी स्वामी जी से प्रार्थना किए हैं, तो फिर उनका भोग भी खा कर जाएगा। गड़बड़ी क्या है? जीवन तो यही है, दर्शन है, संघर्ष है, आशीर्वाद लेना है, काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। तो अच्छे अच्छे कामों में एक अच्छा काम आप भी कीजिए कि थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए श्री जगन्नाथ स्वामी से, अपने अपने प्रभु से, कि देश में एक सशक्त सरकार। ये हम बार बार बना रहे बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। जय जगन्नाथ। ये है भात, ये है दाल, ये है कद्दू और बैंगन की सब्जी। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। हाँ, ये होना ही खीर है। हाँ, और ये है खीर। हो ठीक है, खाइए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या हुआ? ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया, इसलिए मुझे दे दिया आपने। ये तो बहुत पसंद है। सबसे पहले खत्म कर दिया आपने खेल को, हाथ में खत्म कर दिया पूरा। खत्म कर दिया, खत्म कर दिया।